बेटी स्कूल चली गई, हम लोग अभी जिम जा रहे हैं। आज आयन भी मेरे साथ जिम जा रहे ना आयन, आज बेटा भी मेरे साथ जिम जा रहे हैं। क्योंकि मैं इसको इसीलिए आज लेके जा रही हूँ कि मेरा जिम बहुत मिस हो गया है। मैं अभी मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे घर भी जाना है, इसी वजह से मैं जिम को कंटिन्यू रखूँगी। जब घर जब जाऊँगी मैं मायके जाऊँ तो फिर जिम मिस हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी कंटिन्यू रख रही हूँ। इसीलिए मैं आज छोटे नवाब को भी आपके साथ लेके जा रही हूँ। चले आयन, चले चलो जिम से हम लोग आ गए। मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की हूँ, ऐसा कुछ नहीं की हूँ क्योंकि बच्चे लेके गई थी, इसी वजह से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके आइए। आयन महाशय कैसा लगा जिम जाकर? गंदा लगा है। इसको जिम जाकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसको एक जगह बैठना पड़ता है, इसी वजह से उसको जिम जाके अच्छा नहीं लगता। मैं बस जिम करके डायरेक्ट घर आ गई और कुछ नहीं ली। अब जाती हूँ कुछ खाना वाना करती हूँ। एक्सरसाइज तो आयन को तो मैं सवेरे खिला के लेके गई थी जिम जाते थे। मैं सवेरे बेटी के लिए रोटी और आलू की सब्जी बनाई थी तो उसको भी खाना था। उसको आलू की सब्जी बहुत पसंद है तो फिर मैंने उसके लिए भी आलू की सब्जी बनाया था तो इसने भी खा लिया। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए। हाँ मेरा बेटा पता नहीं क्या क्या खरीद के ले लेता है। ये क्या आया है? बाइक, छोटू बाइक। हाँ सर, मोबाइल देख रहा है अपने बहन का। स्कूल नहीं गया, कल से स्कूल जाएगा ना आयन? अभी तबीयत ठीक है ना? नहीं, बहुत दिन हो गया। जाना? नहीं जाना है। नहीं, उठा उसको, गंदी बात। इधर मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। पत्ता गोभी की सब्जी बना, हलवा बना देनी हो ना? हो क्या रही है? अच्छा हलवा बना रही, खाना ऐसे कर वो खा लो एप्पल। नहीं अभी नहीं, चुखा भी अभी एप्पल मत खा। ये रहा सूजी, मैं बच्चों के लिए हलवा बना रही हूँ। दीदी अभी तक नहीं है, एक बज गया, फोन कर ली लेकिन अभी तक आने का नाम नहीं ले रही है। किचन के कुछ ऐसे हालात है क्योंकि पानी है ही नहीं, बर्तन धो पा रही ना कुछ कर रही, पर ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। कल बच्चे का स्कूल भी है और बच्चे यहाँ लेटे हुए हैं। मैं आज दिन में थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया, अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा, मूड ऑफ था इसी वजह से। और यहाँ बेटी लेट के मोबाइल देख रही है। बस पानी का वेट करे, पानी आ जाए तो थोड़ा बहुत कुछ काम हो जाए, मैं कुछ कर लूँ, नहीं तो क्या करेंगे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आयन क्या करे ऐसा, ठंड नहीं लग रही तुमको? तो भी पानी आ गया और मम्मा यहाँ पे बर्तन धो रही है, हल्का हल्का धीरे धीरे करके भी पानी आ रहा है तो मम्मा उसी के साथ बर्तन धो रही हैं। बच्चों को यहाँ मैं सोने के लिए दे दी हूँ, सोने के लिए बोली हूँ। मेरा बर्तन हो गया है, कोशिश की हूँ थोड़ा बहुत सो जाए, सबर स्कूल है। मुझे बस थोड़ा सा आरो बल जी, देखिए घर का हालत क्या होके रखा हुआ है। जब पानी नहीं होता तो ऐसे ही होती है घर का हालत, ये घर का हालत ऐसा होके रखा हुआ। पानी स्टॉक में मैं रख दी, अगर पानी ना भी आए तो कम से कम दिन भर चलने के लिए मेरा हो जाएगा। किचन का बर्तन मैं धो के क्लीन कर दिया, ये कोशिश करी थोड़ा सा मेरा आरो भर जाए तो मुझे कल पीने के पानी में कोई दिक्कत ना हो। बस धो ली हूँ बर्तन, सवेरे बेटी का स्कूल, बेटी को भेज पाऊँगी स्कूल। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। आज मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया क्योंकि मूड नहीं था, क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते नहीं हो, कम से कम ब्लॉग थोड़ा देखा तो करो, तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा मैं क्या गलत करूँ, क्या सही करूँ, क्या मेरे से गलत हो रहा है। आप लोग नहीं देखते हो तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता है। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, बस।